सुप्रभात छात्रों, देखिए इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास सिक्स हिंदी टू और अध्याय दस, इसका नाम है संज्ञा के विकारी तत्व। तो देखिए संज्ञा के विकारी तत्व में हम लोग को कौन कौन से अध्याय पर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें हम लोगों को पहले लिंग के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं ध्यानपूर्वक। पाठ्यपुस्तक को मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पाठ्यपुस्तक में बहुत से उदाहरण हैं जो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। देखिए जैसे एक उदाहरण देखिए कि नदी बह रही है, ठीक है, बंदर पेड़ पर बैठा है, मोर नाच रहा है, बंदरिया नाच रही है। इसमें आपको ये निर्धारण करना है कि यह किस लिंग से संबंधित है। तो देखिए तो हम लोग परिभाषा के तौर पर देखते हैं पहले कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। तो लिंग के भेद में आइए, हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में देखिए कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, अध्यापक, नौकर, ग्रंथ, महल आदि, ये सभी क्या थे, पुल्लिंग थे। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, आल्पस आदि। सागरों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर आदि। वृक्षों के नाम अशोक, नीम, पीपल, बरगद। अनाजों के नाम गेहूं, बाजरा, चना। धातुओं के नाम सोना, पीतल, जस्ता। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, चीन। महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। और वारों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि। जिन शब्दों के अंत में और बड़ी ई अथवा बड़ी यू होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बालक, लेखक, धोबी, नाई, बाबू, भालू आदि। कुछ अन्य शब्द भी सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कछुआ, गरुड़, खरगोश, खटमल, तोता, पक्षी, बिच्छू, मच्छर, कौवा। दो नंबर में है स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे स्त्री, बकरी, मालिन, धोबिन। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सतलुज। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, रोहिणी, भरणी। स्त्रियों के नाम सीमा, रश्मि, स्मृति, कोई भी स्त्री का नाम हो। तिथियों के नाम एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। और भाषाओं के नाम हिंदी, मराठी, गुजराती। कुछ अन्य शब्द भी सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे मछली, तितली, कोयल, मैना, मक्खी, गिलहरी, ठीक है, और उसके बाद है चील, मकड़ी, दीमक। नीचे लिखे शब्द सदा पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देखिए शरीर के अंगों के नाम है, पुल्लिंग में होगा हाथ, पांव, नाखून, सिर, और स्त्रीलिंग में आँख, नाक, जिह्वा, कोहनी, कलाई, कमर, ठीक है, अलग अलग किए गए हैं। अन्न के नाम मतलब अनाज के नाम में देखिए पुल्लिंग में होंगे गेहूं, चावल, चना, बाजरा, स्त्रीलिंग में मकई, ज्वार आदि। पेड़ों के नाम पुल्लिंग में कौन से होंगे, आम, नीम, अशोक, पीपल, बरगद, सेब, और स्त्रीलिंग में लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग में तेल, घी, पानी, शरबत, दूध, पेट्रोल, डीजल, और स्त्रीलिंग में चाय, कॉफ़ी, सिकंजी। और ग्रहों के नाम में देखिए पुल्लिंग में होंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, और स्त्रीलिंग में पृथ्वी। धातुओं के नाम में पुल्लिंग सोना, लोहा, तांबा, और स्त्रीलिंग में चांदी। रत्नों के नाम पुल्लिंग में होंगे नीलम, पुखराज, हीरा, और स्त्रीलिंग में मणि। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम देखा जाए, देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम, आ प्रत्यय जोड़कर अंत में आ जोड़ना, जैसे अनुज है तो अनुजा, वृद्ध है तो वृद्धा, छात्र है तो छात्रा, प्रिय है तो प्रिया, महोदय है तो महोदया, सूत है तो सूता, भवदीय है तो भवदीया, अध्यक्ष है तो अध्यक्षा। शब्दांत के अ अथवा आ में ई प्रत्यय जोड़कर लड़का, लड़की, मामा, मामी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, मुर्गा, मुर्गी, देव है तो देवी, पुत्र है पुत्री, घोड़ा तो घोड़ी, गोप है तो गोपी। ईया प्रत्यय जोड़कर बेटा, बिटिया, बंदर, बंदरिया, गुड्डा, गुड़िया, कुत्ता, कुतिया। बालक है, ईका प्रत्यय जोड़ना है बालक है तो बालिका, लेखक है तो लेखिका। अध्यापक है तो अध्यापिका, सेवक है तो सेविका, नायक है तो नायिका, शिक्षक है तो शिक्षिका। इन प्रत्यय लगाकर माली, मालिन, नाग, नागिन, पुजारी, पुजारिन, लुहार, लुहारिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाई।
आइन प्रत्यय लगाकर गुरु है तो गुरुवाइन, शर्मा है तो शर्माइन, वर्मा है तो वर्माइन, चौधरी है तो चौधराइन, पंडित है तो पंडिताइन, हलवाई है तो हलवाइन। कौन सा प्रत्यय लगा? आइन प्रत्यय। अब आनी प्रत्यय देखिए, सेठ है सेठानी, नौकर नौकरानी, जेठ जेठानी, इंद्र इंद्राणी, भव भवानी, देवर देवरानी। नी प्रत्यय लगाकर शेर शेरनी, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, चोर चोरनी, हंस हंसनी, भील भीलनी। वती और मति प्रत्यय अंत में होना चाहिए। आयुष्मान तो आयुष्मति, श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, रूपवान रूपवती, भाग्यवान भाग्यवती, पुत्रवान पुत्रवती। बिल्कुल भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग देखिए, पिता माता, श्वशुर सास, राजा रानी, वर वधु, विधुर विधवा, पति पत्नी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नों के साथ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए कुछ प्रश्नों को भी, फिर पूरे वीडियो को पॉज करके देखिएगा ध्यानपूर्वक, उसके बाद फिर इसे बनाने के लिए दिया जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।